हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका याशना की दुनिया में। तो मैं कैसी लग रही हूँ आज? मैंने पहना है सफेद कलर का प्यारा सा सूट और मैं जा रही हूँ बाहर। पहले मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ, हमारे बराबर में भी एक नन्ही सी गुड़िया का जन्म हुआ है, वो भी 1 मंथ की है और मैंने उसको परसों देखा था। तो उसके लिए भी मैंने कल दिवाली का गिफ्ट सोचा था, बट मैं कल नहीं दे पाई तो उसको आज दूंगी। तो पैक करके चलते हैं उनको गिफ्ट देने। गिफ्ट भी दिखाऊं या ना दिखाऊं? गिफ्ट बहुत प्यारा सा है, नन्ना सा है। तो ये है उस छोटी सी डॉल का गिफ्ट है, ये एक एक जोड़ी कपड़े हैं बहुत प्यारे से। नहीं अनाया, अनाया उठ चुकी है, अभी अभी आई है अपना डायपर वगैरह उतार के, अभी फ्रेश होने जाएगी। तो जैसे मेरी प्यारी सी मम्मी आ चुकी है, ये भी रेडी हो चुकी है। इनकी टी शर्ट देखिए, ये शर्ट, ये इनको मैंने गिफ्ट दी है और मैं आपको बताऊंगी कितने की। आप गैस कर सकते हैं कितने की होगी? नहीं ना, बताऊंगी आपको बाद में, बताऊंगी जब कोई मुझसे पूछेगा कि बताओ ये कितने की है, अभी नहीं बताऊंगी। अभी चलते हैं गिफ्ट देने के लिए। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर जाती हूँ, मैं अकेले नहीं जाती हूँ कहीं पे भी, तो मैं अपनी मम्मी के साथ ही जा रही हूँ, इसके लिए उनको तैयार करा दिया है। तो चलते हैं पहले गिफ्ट देने, गिफ्ट देने के बाद दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। हमारा गिफ्ट रेडी हो गया, ये है हमारी भाभी जी रहती है तो इनके घर। तो चलते हैं, गिफ्ट में देके आ चुकी हूँ और अच्छा नहीं लगता कि आप गिफ्ट देते हुए उन लोगों का शूट करो, क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल होते हैं या नहीं होते हैं ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो अमान रॉकेट जलाने वाला दिखाती हूँ आपको, लेके खड़ा हुआ है रॉकेट बिल्कुल बुर्ज खलीफा की तरह। ये पता नहीं कहाँ ही जाएगा, आड़ा लग रहा है, ऐसे ही जाएगा, पीछे अंदर ना घुस जाएगा हमें। तो ये अमान इसको जला रहा है, अमान पता नहीं इसको कहीं निकालने वाला है, मुझे पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। इतनी हवा चल रही, मत कर, सच बोलूं तो अमान मत कर, किसी के घर में चला गया ना, मैं एक मिनट में आ गया। ओए 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 ओए, मत कर अमान। कैसा लगा आपको फोड़ के इसकी शक्ल? डर गया बॉटल के अंदर। आग पर वो आ गई, आग पागल। मैं आ चुकी हूँ बाहर, हम लोग जा रहे थे मेट्रो में, बट मेट्रो में मुझे चढ़ना नहीं आता है ना, मैं कभी चढ़ी हूँ। मैं स्कूल टाइम पे एक बार अपनी फ्रेंड के साथ चढ़ी थी, बट उसके बाद नहीं गई हूँ कभी। तो मुझे बहुत डर लगा, मैंने मम्मा से बोला नहीं नहीं मम्मा प्लान चेंज कर दो, मुझे मेट्रो में नहीं जाना है। तो मैंने अभी उबर ऑटो बुक किया है, अभी देखते हैं ऑटो कब आता है। 2 मिनट शो कर रहा था, आज ऑटो की सवारी करते हैं, मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने में भी वैसे बहुत ज़्यादा। तो मैं हूँ ऑटो में और मैं आ गई हूँ 18 सेक्टर और जाने वाली हूँ एक प्यारी सी जगह जहाँ मुझे जाके बहुत सुकून मिलता है। देखते हैं वो जगह खुली है कि बंद है। पाक जगह जहाँ मुझे आना था, मैं जब भी 18 सेक्टर आती हूँ तो मैं गुरुद्वारे में आती ही आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। तो हम जा रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये जगह मुझे बचपन से बहुत पसंद है और मुझे बहुत शांति मिलती है यहाँ आके। तो जाके वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं अंदर जा रही हूँ। ये है हमारा प्यारा सा खड़ा प्रसाद जिसको बोलते हैं, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब हर भगवान के मंदिर में या कहीं पे भी, मंदिर मस्जिद वो चर्च कहीं पे भी हो, मुझे जाना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे शांति मिलती है खुदा की जगहों पे जाके। आप लोगों को भी जाना चाहिए, आपका मन अंदर से बहुत हैप्पी होगा, आपको अच्छा लगेगा। तो खाइए कड़ा प्रसाद, बहुत शांत जगह है ये। पास में ही मॉल है, कौन सा मॉल है मैं भूल गई नाम। तो मैं आ गई हूँ, हाँ, तो मॉल में आ गई हूँ मैं वापसी। अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ, ऐसे ही मैं घूमने आई हूँ, गुरुद्वारे आई थी, घर में भी बोर ही हो जाती हूँ, इससे अच्छा तो बंदा बाहर टहल के आ जाए। मम्मी कहाँ है? बोल रही मम्मी वो अपनी रील्स की वीडियो ढूंढ रही होगी, कौन सी बनानी है कौन सी नहीं। ये देखो मेरी माँ को ये लगी रहती, इन्हें पता नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं। बनाओ बनाओ वहीं पे खड़े हो जाओ। मम्मा के जूतों की लेसेस खुल चुकी है और मैं उसको बांधने लगी हूँ, कभी लुढ़क पुड़क ना जाए इधर उधर इसके लिए। बट मेरी मम्मी भी ना हमेशा इनके जूतों की लेसेस खुल जाती है और मुझे ही बांधनी पड़ती है, और मुझे इनसे इसके बदले में बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी किसेस मिलती हैं। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए बांध रही हूँ मम्मी। लव यू मम्मा, गॉड ब्लेस। आगे और मेरी मम्मी चल रही है पीछे, क्योंकि वो अपनी रील्स निकाल रही है, रील्स का कोई सॉन्ग।
उनकी रील्स बना बना के मेरे सर में दर्द हो जाता है, बट अच्छा भी लगता है कि आप लोगों की मम्मी इंजॉय तो कर रही है ना, कम से कम कि आप अपनी मम्मी को इंजॉय करने दो, उनको करवाओ, उनकी हेल्प करो, ये नहीं कि शर्म आ रही है। अरे शर्म लियास छोड़ोगे जब भी कुछ बनोगे आगे। ये देखो मेरी मम्मी सीनों पे भी स्टार्ट है, वो बढ़िया लग रही है। मेरी मम्मी के कुछ रिलेटिव्स मिल गए पुराने, तो मेरी मम्मी तो भूला है, इनको कुछ याद ही नहीं रहता है। वो बोलती है मैं वो हूँ, वो बोलती है मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों को नहीं जानती। मुझे हल्का हल्का याद आ गया, बट मैं फिर भी नहीं जानती। ये देखो इनका भारत मिलाप चल रहा है, और मेरी मम्मी बेफालतू में बोल जा रही है हाँ 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 हाँ, भले ही जानती नहीं, अब वो पहचान कर रही हूँ। मजे आते हैं ऐसे लोगों से भी बात है ना। याद आया कुछ मम्मी, याद आया कुछ? हाँ, कुछ याद नहीं आया, कुछ याद आया नहीं आया। मतलब बचपन का कोई चाइल्डहुड फ्रेंड की फ्रेंड, वाओ वाओ अच्छा लगा। टीनेज फ्रेंड्स है, मतलब आई वाज सेलिंग दैट हमारे यहाँ ट्राउजर पे रिस्ट्रिक्शंस थी, तो फर्स्ट टाइम आई वोर हर ट्राउजर ऑफ ग्रीन कलर। ओके अच्छा लगा मुझे इन लोगों से मिलके, मैं भी इन लोगों से मिल लूं। मैं पूछना चाहती हूँ मम्मी से, क्या आप अभी भी उनको पहचान ही बताओ? हाँ मैं पहचान गई हूँ, मैं कॉलेज की फ्रेंड थी, हम लोग सेम में थे, बट मेरे दिमाग में अभी भी स्टिल नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है। इनको कंफ्यूजन ही रहेगा हमेशा का, इनका यही है। बेचारे ऑटो वाले को भी इन्होंने बहुत परेशान किया, इनको ऐसा लगा ऑटो वाला हमें कहाँ लेके जा रहा है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, मैं कहीं ब्लैंक हो गई थी, मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। यही होता है, बादाम खाने चाहिए डेली, बोलती हूँ इनको खाती नहीं है। बादाम खाने से नहीं होता है, टेंशन फ्री रहने से होता है। के बराबर में ही ये 18 सेक्टर की मार्केट थी, तो मैं यहाँ पे भी आ गई हूँ, और ये ओपन है, और मैं गोलगप्पे खाने वाली हूँ यहाँ पे। चलोगी मम्मी या आप रील्स बनाती रहेंगी? तो हम लोग जा रहे हैं बड़ी सन्नाटे वाली जगह पे, हम दोनों होटल आए, होटल में रूम बुक करके मस्ती करेंगे। मान मत जाना, मैं आई हूँ नथूज ही है, तो यहाँ पे खाएंगे हम छोले भटूरे। गई हूँ वापसी ऑटो में, मैं जा रही हूँ अपने घर, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वही जो मेरी आदत है कि मैं चल चल के थक जाती हूँ, कहाँ कहाँ से चलते हुए आए पता है, पहले वेव मॉल पहुँच गए, फिर वो वाले मॉल पहुँच गए ऐसी वीडियो शूट करने के लिए, कहाँ कहाँ पहुँच गए। अब हम दोनों जा रहे हैं माँ बेटी घर पे, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये मेरे साथ ही रहती है हमेशा, इनके अलावा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना बॉयफ्रेंड की, ना दोस्त की, ना बहन की, जो भी कुछ है ये यहाँ। अरे कपड़ों पे लिपस्टिक लग जाएगी मन्नू, नाम लपचा, मुझे गुच्छा मत दिलाया करो। जैसे हम हमेशा की तरह थक जाते हैं, तो हम लोग आ चुके हैं घर पे, अब हम मतलब रेस्ट ही करेंगे, बहुत ज्यादा थक गए। तो इसके लिए अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लव यू ऑल, प्लीज मेरी वीडियोज को आगे से आगे बढ़ाना, प्लीज प्लीज सपोर्ट मी, ताकि मैं आगे से आगे बढ़ जाऊँ। Love you, bye bye.